हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजेएस लॉ क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 23 तक कवर कर लिया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम सेक्शन नंबर 24, राइट। इस लेक्चर के अंदर मेनली जो हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है सेक्शन नंबर 24 पे एंड 25 पे, जो कि बात करते हैं मेंटेनेंस की, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बात करें रेस्ट ऑफ द सेक्शंस की, तो ये सब बेसिक सेक्शंस हैं और इजी वे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 से। ओके, नाउ दो तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? कौन कौन से मेंटेनेंस होते हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। एलिमनी एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखिए, दो तरीके के मेंटेनेंस हैं। एक तो हमें बता रहा है अंडर सेक्शन 24, एक अंडर सेक्शन 25। 24 जो है ये टेम्परेरी मेंटेनेंस की बात कर रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसकी बात कर रहा है, राइट। यानी कि जिसे हम लीगल टर्म में बोलते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। राइट, और इसी का दूसरा वर्ड है पेंडलाइट मेंटेनेंस, राइट। तो कंफ्यूज मत होना इंटरिम या पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस आ जाए तो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड 25 जो है ये परमानेंट मेंटेनेंस की बात करता है। परमानेंट मेंटेनेंस यानी कि तब जब आपकी प्रोसीडिंग्स एंड हो जाए, डिसीजन आ जाए, तो ये इंटरिम मेंटेनेंस तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चल रहा है, यानी कि वो लेडी हस्बैंड जो अलग अलग रह रहे हैं उन स्पाउसेस को खर्चा भी तो चाहिए अब to maintain themselves, आने जाने का खर्चा, प्रोसीडिंग्स के कॉस्ट का खर्चा, रहने का खर्चा, फूड का खर्चा, तो ये सब कुछ मेंटेनेंस के अंदर आता है। अब जब तक डिसीजन नहीं होता, उन्हें मेंटेनेंस तो एंड में ही दिया जाता है ना, जो कि 25, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं होता उससे पहले भी तो उन्हें चाहिए फूड, शेल्टर, आने जाने का खर्चा, कोर्ट में इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो उसी को कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। तो ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आपको दी जाती, लेकिन क्या हो रहा था, इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए काफी ज्यादा डिले होता था। तो 2001 में एक अमेंडमेंट आया और एक चीज ऐड कर दी गई कि जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है ये कोर्ट 60 डेज में डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब ये 60 डेज कब से होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। From the date of service of notice on either of the spouses, ठीक है, right? तो 60 days, और 60 days कब से start होगा? जिस date से service of notice होगी उस date से start होगा 60 डेज का टाइम पीरियड, और ये इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट को 60 डेज में डिसाइड करनी होगी। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। ओके, अब देखिए इंटरिम मेंटेनेंस के लिए जो आपका कंडक्ट होता है पार्टीज का, जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलेगा कि इसने तो एडल्ट्री कमिट की है, मैं इसे मेंटेनेंस नहीं दूंगा, या फिर वाइफ बोले, देखिए सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स के अंदर, मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है? हस्बैंड अपने वाइफ से कर सकती है, वाइफ अपने हस्बैंड से कर सकता है, कर सकती है? सिर्फ महिला मांग सकती है मेंटेनेंस, या हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकते हैं? यस, यू ऑल आर करेक्ट, बोथ, ठीक है, दोनों मांग सकते हैं। अक्सर जब भी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, इमेजिनेशन में महिला आ जाती है ना, बट हमें ये भी हमेशा याद रखना है कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, राइट।
स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए. देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेरी मेंटेनेंस है, ये कब मिलता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब डिसीजन नहीं आता. डिसीजन आने के बाद तो परमानेंटली मेंटेनेंस फिक्स कर दी गई, कॉस्ट कोट है ना वो 25 है. लेकिन उससे पहले बात कर रहे हैं हम टेम्परेरी मेंटेनेंस की, जो कि मैंने आपको बताया डिले होता था. उस डिले को रोकने के लिए एक प्रोविजन डाला गया कि 60 डेज के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड करेगा. उसके बाद 60 डेज कब से, ये क्वेश्चन उठा, तो कहा गया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, वहां से 60 डेज स्टार्ट हो जाएंगे. उसके बाद कंडक्ट की बात आई, क्या कंडक्ट रेलिवेंट है या फिर इररेलीवेंट है मेंटेनेंस देने के लिए. यानी कि हस्बैंड कह रहा है कि मेरी वाइफ ने तो एडल्ट्री कमिट करी है, या फिर वाइफ कह रही है मैं तो अपने हस्बैंड को नहीं दूंगी क्योंकि ये तो मेरे पे क्रुएल्टी करता था. तो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए ना कंडक्ट इररेलीवेंट है, कंडक्ट इररेलीवेंट है क्योंकि अभी तो प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, वो तो एंड में पता चलेगा किसने क्या किया है क्या नहीं किया, अभी तो प्रोसीडिंग्स चल रही है. तो सेक्शन 24 के लिए ये जो कंडक्ट है ये इररेलीवेंट है, बिल्कुल इमेटीरियल है. कंडक्ट का कोई भी पॉइंट इसमें रेलिवेंस नहीं रखता. ओके, इतनी सी बात क्लियर. ओके, अगर आगे चले तो अब देखिए मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ अपनी हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग रही है, राइट. अब जो कोर्ट है वो वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस दे देगी, राइट. लेकिन क्या चीजें देखकर कोर्ट उसको मेंटेनेंस देगी, कितना मेंटेनेंस देगी, कितना मेंटेनेंस देना चाहिए, तो ये सब चीजें कैसे देखेगी. सबसे पहले तो उस हस्बैंड की इनकम को देखा जाएगा कि वो कमा कितना रहा है. ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो महीने के 40,000 कमा रहा है और कोर्ट मेंटेनेंस के नाम पे उसे बोले तुम्हें अपनी वाइफ को जो है 50,000, भाई वो कमा ही 40,000 है, 50,000 कैसे दे दे मेंटेनेंस पे. तो इनकम कितनी है सबसे पहले ये देखा जाए. दूसरी बात, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है. ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम भी देखा जाएगा, क्या करता है वो, क्या नहीं करता, बिजनेस करता है, सर्विस करता है, जॉब करता है, क्या करता है. ठीक है, ईदर ऑफ द स्पाउस. दूसरी बात, उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं. डिपेंडेंट्स यानी कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, अब हस्बैंड के पेरेंट्स भी हैं, मदर फादर, हस्बैंड्स के कुछ माइनर बहन भाई भी हैं जिन्हें वो मेंटेन करते हैं. तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि वो हस्बैंड, वो आदमी 30,000 पर मंथ कमाता है और मेंटेनेंस के नाम पे कोर्ट ने क्या किया, कहा कि 20,000 तुम अपनी वाइफ को दे दो. नहीं भाई, कोर्ट ये भी देखेगा कि उस आदमी को अपने माता पिता, अपने भाई बहन या जो भी डिपेंडेंट्स है उनको भी मेंटेन करना है. तो कितने डिपेंडेंट्स उसके पीछे हैं, उस आदमी के पीछे हैं, वो सब कैलकुलेट करने के बाद कितना उसे अपनी वाइफ को देना चाहिए वो चीज देखेगी कोर्ट. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख. ठीक है, अब देखिए अभी मैंने जिससे आपको एग्जाम्पल दिया कि उस आदमी की 30,000 फॉर एग्जाम्पल पर मंथ इनकम थी, तो कोर्ट ने बोला इसमें से आप 8,000 अपनी वाइफ को दोगे. अब फ्यूचर में हस्बैंड की जो सैलरी है वो 30,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है. ठीक है, 30,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है. तो अब जो महिला है वो एप्लीकेशन लगा सकती है कोर्ट में कि मेरा मेंटेनेंस बढ़ाया जाए क्योंकि मेरे हस्बैंड की इनकम इंक्रीज हो गई है. तो कोर्ट ऐसा कर सकती है, पर ऐसा नहीं है इंक्रीज की एप्लीकेशन लगा दी तो अब इंक्रीज हो गई. अब मान लीजिए 60,000 तो हो गई, कोर्ट ने इंक्रीज कर दिया था कि भाई अब तुम अब से 15,000 दोगे अपनी वाइफ. अब फ्यूचर में ऐसा हुआ कि उस आदमी की सैलरी डिक्रीज हो जाती है, 30,000 आ जाती है, अब वो 30,000 ही कमा रहा है तो उसमें से 15,000 अपनी वाइफ को कैसे देगा, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो कोर्ट बढ़ाएगी. अगर आपकी सैलरी घट रही है तो अब हस्बैंड कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि अब मेरी सैलरी कम हो गई है तो वाइफ का जो मेंटेनेंस है उसको डिक्रीज किया जाए. ठीक है, तो अगर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बाद में खुद तो बोलेगा नहीं कोर्ट जाके कि मेरी सैलरी बढ़ गई है, मेरी वाइफ को ज्यादा मेंटेनेंस दी जाए, है ना. तो वाइफ लगाएगी अगर बढ़ गई है, अगर कम हो गई है तो हस्बैंड अपना रिलीफ लेगा, है ना, कि अब मेरी कम हो गई है तो कम इसको मेंटेनेंस कम कर दिया जाए. इतनी सी बात क्लियर. इतनी सी बात क्लियर है. आगे चले 25 पे.
सबका यस आ गया, चलिए अब चलते हैं 25 से. अब ये तो सारी बात थी टेम्परेरी, अब इसको भूल जाइए, अब आ जाते हैं परमानेंट मेंटेनेंस पे. देखिए एक बार डिसीजन आ जाता है तो कोर्ट क्या करती है कि अब ठीक है, अगर आपका डिवोर्स वगैरह हो जाता है, एग्जांपल लीजिए डिवोर्स का कोई प्रोसीडिंग चल रहा था, अब डिवोर्स हो गया है ना, डिवोर्स का प्रोसीडिंग जब तक चल रहा था तो वो हर महीने उस महिला को इंटरिम मेंटेनेंस दे रहा था, अब डिसीजन आ गया है तो कोर्ट एक परमानेंट मेंटेनेंस देगी जो उसे देना पड़ेगा टिल द वाइफ इज अलाइव, या फिर जब तक किसी और से रीमैरी नहीं कर लेती उसकी वाइफ. क्योंकि अगर किसी और से रीमैरी कर लेती है तो उस वाइफ को उसका हस्बैंड जो है वो मेंटेन करेगा, है ना, दूसरा स्पाउस. तो जब तक वो जिंदा है तो तब तक आपको उसे मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, और जब तक वो रीमैरी नहीं कर लेती किसी और से तब तक आप उसको मेंटेनेंस देते रहोगे. ठीक है, ओके. तो कैसे दे सकते हो, दो तरीके हैं, या तो मंथली कोर्ट आपको बोल देगी कि मंथली आप इतने पैसे देते रहोगे अपनी वाइफ को, या तो लम सम टोटल अमाउंट बता देगी, आपने ये टोटल अमाउंट है ये आपने देना. ठीक है, तो जैसा भी कोर्ट को फिट लगेगा, पार्टी से भी पूछ लिया जाता है, जैसा भी फिट होगा, जैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है कि मंथली देना है या लम सम देना है. इतनी सी बात क्लियर. देखिए जैसा कि लेकिन हमने टेम्परेरी में देखा था कि कंडक्ट क्या होता है, इररेलीवेंट, लेकिन अंडर सेक्शन 25 जो कंडक्ट है वो रेलीवेंट होता है. ठीक है, वो रेलीवेंट होता है. अब देखिए कंडक्ट अगर हम देखें, अगर वाइफ ने एडल्ट्री कमिट करी है, वाइफ ने एडल्ट्री कमिट करी है और वाइफ मेंटेन करी है मेंटेनेंस, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसे मेंटेनेंस देने से मना कर देगी. देखिए कंडक्ट रेलीवेंट है, पर हो सकता है अगर अगर वो वाइफ इनोसेंट होती तो उसे 10,000 पर मंथ का हो सकता है मेंटेनेंस दिलाती कोर्ट, लेकिन क्योंकि अब इसमें कंडक्ट रेलिवेंट हो जाता है और उसने एडल्ट्री करी है, तो इस कंडक्ट को देखते हुए जो क्वांटम है मेंटेनेंस का उस चीज पे इफेक्ट आ सकता है. ये नहीं है कि मेंटेनेंस ही नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, एक रुपा भी नहीं, कंडक्ट के हिसाब से जो आपका कंडक्ट होगा उस हिसाब से कम ज्यादा जो है मेंटेनेंस हो जाएगा. तो कंडक्ट जो है सेक्शन 25 के ऊपर जो आपको मेंटेनेंस मिलने वाली है उस हिसाब से आपकी मेंटेनेंस पे इफेक्ट करेगा. ठीक है, कोर्ट अगर आपको 10,000 देने वाली थी तो आपके कंडक्ट को देखते हुए, आपका कंडक्ट खराब है, आप क्रुएल्टी कर रहे हो, एडल्ट्री कर रहे हो, ये सब चीजों को देख के हो सकता है कोर्ट आपका क्वांटम जो है मेंटेनेंस का 10,000 देने वाली थी तो 2,000-3,000 कर दे. इतनी सी बात क्लियर है. देखिए अब जो वाइफ होगी वही अपने हस्बैंड से मांग सकती है मेंटेनेंस, या फिर जो हस्बैंड होगा वही अपने वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है ना. अब देखिए मैंने आपको कहा था जो वॉइड मैरिज होती है, जो वॉइड मैरिज होती है उसमें हस्बैंड का वाइफ पे और वाइफ का हस्बैंड पे कोई भी राइट नहीं होता है, क्योंकि इनकी शादी तो इन आईज ऑफ लॉ शुरू से ही जीरो थी, ये कभी भी हस्बैंड वाइफ नहीं थे, ना ही इनकी मेंटेनेंस मैरिज जो है एग्जिस्टेंस में आई कभी, है ना, ऐसा ही बोला था. लेकिन लेकिन एक केस है छोटा सा. ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. एक फॉर एग्जाम्पल ये ए है, कोई मेल है, इसकी वाइफ है बी, फर्स्ट वाइफ इसकी, या फिर ऐसे ले लेते हैं वाइफ वन, वाइफ इसकी ये वाइफ वन है. ठीक है, दोनों हिंदू हैं, तो फर्स्ट वाइफ इनकी मैरिज क्या हुई, वैलिड हुई, है ना. लेकिन इसके रहते हुए ये हिंदू ही है और ये इससे वाइफ टू से शादी कर लेता है, तो बताइए ए और डब्ल्यू टू की शादी क्या हुई, क्या ये वैलिड हुई? क्या ये वैलिड हुई? कौन सी शादी हुई है? सेक्शन 5 की पहली कंडीशन क्या थी? मोनोगैमी. पर ए ने क्या करी है? बायगैमी, है ना. तो इसकी दूसरी शादी क्या हुई? यस हर्षना यू आर राइट, इसकी दूसरी शादी हुई वॉइड. पर मैंने तो कहा था वॉइड हस्बैंड और वाइफ का आपस में कोई राइट नहीं होता, तो बताइए क्या वाइफ टू अपने हस्बैंड से, इससे ए से, वाइफ टू ए से क्या मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मांग सकती है? बताइए.
अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं नो मैम. देखिए लॉ के हिसाब से देखें तो आंसर इसका नो ही है, बट केस लॉ के हिसाब से देखें, केस लॉ के हिसाब से देखें तो इसका आंसर है यस. देखिए कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस देखे होंगे जहां पर एक आदमी की पहले से ही फॉर एग्जांपल शादी हो रखी है, इस एग्जांपल के हिसाब से देखें W1 से, पर इस बात को कंसील किया, ए ने इस बात को कंसील किया और धोखा देते हुए दूसरी महिला से शादी कर, दूसरी महिला से शादी कर ली. अब WT की जो सेकेंड वाइफ है उसकी तो गलती नहीं है ना, उससे क्या पता कि ए की पहले से ही शादी हो रखी है. तो इस हिसाब से सेकेंड वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक केस लॉ आया जो मैं आपको भी बताऊंगी, और उन केस लॉज में हेल्ड हुआ कि जो सेकेंड वाइफ है, जो सेकेंड वाइफ है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से. ठीक है, ठीक है, तो जो सेकेंड वाइफ है वो क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस, राइट. तो ये कौन से केस लॉ में कहा गया? स्टूडेंट्स इतनी सी बात क्लियर है? वैसे तो वॉइड मैरिज में ना हस्बैंड होता ना वाइफ होती, क्योंकि उनकी शादी तो कभी हुई नहीं होती, लेकिन उसका ये एक्सेप्शन है कि सिर्फ वॉइड मैरिज में सिर्फ सेकंड वाइफ को अलाउ किया गया है, सेकंड वाइफ को अलाउ किया गया है. वैसे तो उनकी शादी वॉइड है ना, बट उस लड़की की क्या गलती है ना, तो इसीलिए इन केसेस में कहा गया कि भाई जो सेकेंड वाइफ है, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन, इस केस में कहा गया अंडर सेक्शन 11 जो शादी वॉइड भी है, सेक्शन 11 के अंदर हमने पढ़ा था ना मोनोगैमी के जो कंडीशन है उसको वायलेट किया गया है, तो अगर पायगैमी करिए किसी ने तो सेकंड मैरिज उसकी वॉइड है, लेकिन इसके बावजूद भी सेकंड वाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है. बेशक सेकंड वाइफ के साथ आपकी मैरिज वॉइड है क्योंकि आपकी फर्स्ट वाइफ के साथ शादी हो चुकी है, और हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आप सिर्फ एक से एक ही बार, मतलब वन रिलेशनशिप एट अ टाइम है ना, तो सेकंड वाइफ से कर रहे हो तो ऑल्दो आपकी और सेकंड वाइफ की शादी वॉइड है, लेकिन सेकंड वाइफ को प्रोटेक्ट करा गया है, कहा गया है कि सेकंड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस. ठीक है, दूसरी बात, एक और केस लॉ आया, इस केस लॉ में सेकंड वाइफ टर्म यूज किया था, बस दूसरे केस लॉ में इलीगल वाइफ. लीगल वाइफ तो आपकी एक ही होती है ना हिंदू मैरिज एक्ट में, लीगली तो आप एक ही शादी कर सकते हो, अगर दूसरी शादी करा रहे हो तो आपकी इलीगल मैरिज ही तो होगी ना, बस शब्दों का फर्क है, केस लॉ सेम कहना चाहते हैं. तो रमेश चंद्र दागा, वर्सेस रमेश्वरी दागा, रमेश्वरी दागा, तो इस केस में कहा गया कि जो आपकी इलीगल मैरिज है ना, इलीगल मैरिज कौन सी होगी, लीगल तो आपकी एक ही है, अगर आपने दूसरी तीसरी जो भी शादी कराई है वो सारी इलीगल मैरिज है, तो इलीगल मैरिज वाली भी जो आपकी वाइफ है ना वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25. इतनी सी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चले, आगे चले, क्लियर है ना ये वाली बात कि एक्सेप्शन है. वैसे तो हस्बैंड वाइफ का आप सोच रहे होगे मैम ने, क्योंकि पहले कहा था कि हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पे जो वॉइड मैरिज है लॉ के हिसाब से उनका एक दूसरे पे कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ कभी थे ही नहीं, क्योंकि उनकी शादी कभी हुई ही नहीं, तो एक दूसरे की राइट मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते, एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते, है ना. लेकिन इन केस लॉ की वजह से सेकंड वाइफ की साथ शादी बेशक आपकी वॉइड है, आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया. अगर ये बात समझ आ गई है स्टूडेंट्स तो ओके लिख दीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ.
हर्षना पूछ रही है why protected. डियर देखिए लॉजिक ये है कि सेकंड वाइफ, मैंने आपको बोला ना आईपीसी के अंदर अगर मैन ने अपनी पहली शादी छुपाई है तो अगर दूसरी वाइफ से शादी कर ली है उस महिला की क्या गलती, अब उसे बाद में पता चला कि हस्बैंड की पहले से शादी हो रखी है, अब उसकी क्या गलती बिचारी की, है ना. तो एक तरीके से इन सारी चीजों को देख के ना सेकंड वाइफ को प्रोटेक्ट कर लिया, बोला गया कि बेशक इनकी शादी वॉइड है पर सेकंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से. इतनी सी बात क्लियर है? ओके. ना देखिए मैंने आपको कहा था कि कंडक्ट जो है रेलिवेंट होता है ना, अंडर सेक्शन 25 कंडक्ट रेलिवेंट होता है. पर ऐसा नहीं है कि वुमेन ने अगर एडल्ट्री कमिट की है उसका कंडक्ट खराब है और मैंने कहा है सेक्शन 25 के अंदर कंडक्ट रेलिवेंट है, तो ऐसा नहीं है कि एडल्ट्री करी है तो आप मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते. सिर्फ मेंटेनेंस के क्वांटम पे फर्क पड़ेगा, मेंटेनेंस के अमाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपको मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं, जितना मिलना था आपके कंडक्ट खराब है तो उस वजह से थोड़ा कम कर देगी कोर्ट, है ना. तो इस बात को ही और बताने के लिए कुछ केस लॉ है जिसके अंदर ऐसा हुआ. सबसे पहला तो गुलाब कमत, मैं इसे ही रेज कर रही हूँ जो नीचे केस लॉज लिखे हैं, आई होप आपने लिख लिए होंगे. ठीक है, इस केस के अंदर क्या हुआ था? यस, मेंटेनेंस डियर दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से भी कर सकते हैं, वाइफ अपनी हस्बैंड से भी कर सकते हैं. ठीक है, सेक्शन 24 के अंदर भी और 25 के अंदर भी दोनों स्पाउसेस एक दूसरे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. देखिए अब कंडक्ट रेलिवेंट है इस बात को दिखाने के लिए गुलाब वर्सेस कमत 1985 का केस है. इसके अंदर क्या हुआ कि वाइफ ने जो है एडल्ट्री कमिट करी थी तो कोर्ट ने इस केस में हेल्प किया. तो वाइफ ने एडल्ट्री कमिट की है तो कोई बात नहीं, इनको मेंटेनेंस तो स्टिल शी कैन क्लेम मेंटेनेंस लेकिन जो इफेक्ट है मेंटेनेंस पे पड़ेगा. बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने एडल्ट्री करी है तो कोर्ट मेंटेनेंस को रिफ्यूज कर देगा, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के अमाउंट पे इफेक्ट डालेगा इनका कंडक्ट. ठीक है, तो इन्हें मेंटेनेंस मिलेगा लेकिन जितना पहले मिलना था हो सकता है उससे कम मिले क्योंकि इन्होंने एडल्ट्री करी है. ठीक है, दूसरा केस है जगदीश वर्सेस मंजुला. स्टूडेंट्स इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड के ऊपर वाइफ क्रुएलिटी करती थी तो हस्बैंड ने कहा कि वाइफ मेरे ऊपर क्रुएलिटी करती है तो ये मेरे से मेंटेनेंस क्लेम कैसे कर सकती है, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा. तो कोर्ट ने कहा कि जो कंडक्ट है आपकी वाइफ का कि वाइफ आप पे क्रुएलिटी करती है, तो इस चीज के लिए हम अंडर सेक्शन 25 इन्हें मेंटेनेंस के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकते. इन्हें मेंटेनेंस जो है मिलेगा लेकिन सिर्फ मेंटेनेंस के अमाउंट पे इफेक्ट पड़ जाएगा इनके कंडक्ट का. ठीक है, तो ये केसेस कंडक्ट से रिलेटेड थी. ठीक है, अब देखिए अनचेस्ट वाइफ, जो प्योर वाइफ होती है अनचेस्ट वाइफ यू ऑल नो. ठीक है, अनचेस्ट वाइफ है अगर कोई, तो क्वेश्चन था कि किसी हस्बैंड की जो वाइफ है वो अनचेस्ट है ना. अब देखिए मैरिज का जो देखा जाए तो पर्पस क्या होता है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और मैरिटल ऑब्लिगेशन भी क्या होता है, हैविंग प्रॉपर सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप्स, है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. अब जो अनचेस्ट वाइफ है, पवित्र जिसे प्योर मानते हैं, है ना, अनचेस्ट वाइफ का मतलब आप सभी को पता होगा. इस केस में ये सवाल उठा कि अनचेस्ट वाइफ क्या मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, तो हाँ अनचेस्ट वाइफ मेंटेनेंस बिल्कुल क्लेम कर सकती है. तो ऐसी बात है लुई अमरकांता सेन वर्सेस सवाना सेन 1960 कैलकटा हाईकोर्ट. ठीक है, कैलकटा हाईकोर्ट ने हेल्प किया कि जो अनचेस्ट वाइफ है ये भी बिल्कुल मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. लेकिन इस केस में कोर्ट ये देखेगा अगर वो
वुमेन खुद से अगर अर्न कर रही हैं एंड शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ प्रॉपरली तो कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है मेंटेनेंस को, राइट? आई होप इतनी सी बात क्लियर है स्टूडेंट्स. 24 और 25 में कोई डाउट? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई डाउट है तो. आगे चलू 26 पे. चलो मूव टू सेक्शन 26. ओके चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 26 पे. सेक्शन नंबर 26 बेसिकली बात करता है कस्टडी की. किसके कस्टडी की? चाइल्ड की. अब देखिए ये तो अपने आपस में झगड़े में लगे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ स्पाउसेस के जो दोनों हैं ये झगड़े में लगे हैं, बट इनके चाइल्ड का क्या होगा? तो चाइल्ड का इंटरेस्ट जो है, चाइल्ड का वेलफेयर जो है प्रायोरिटी होता है कोर्ट की, ठीक है? चाइल्ड के इंटरेस्ट को, चाइल्ड के वेलफेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है? तो 26 इसी चीज की बात कर रहा है. बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड की कस्टडी किसको सौंपी जाएगी, ठीक है? तो 26 क्या कहता है, कोई मुझे बता सकता है? बहुत सिंपल है. तो 26 क्या कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कस्टडी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड? कैन एनीबडी टेल मी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. बताइए, कोई बता सकता है? 26. आई होप यू ऑल आर सिटिंग विद योर बेयर एक्ट्स. यामिनी कैन यू टेल मी? हर्षना 26 बताइए. चलिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो आपने बहुत बार ये देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, है ना, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में देखा होगा और सुना भी होगा, अगर 5 साल तक का बच्चा है, 5 साल से छोटा बच्चा है तो जनरली जनरली है ना, चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स. है ना, तो देखा जाता है छोटे बच्चों को अपनी मदर की ज्यादा जरूरत होती है ना, तो उन्हें बेसिकली उनकी कस्टडी सौंपी जाती है उनकी मदर को, उनकी कस्टडी सौंपी जाती है उनकी मदर को, राइट? लेकिन अगर देखा जाए, अगर मदर का जो कंडक्ट है, लेकिन ये तो जनरल रूल है, ऐसा नहीं है कि अब ये जनरल रूल है तो हमेशा 5 साल तक के बच्चे को मदर को ही सौंपा जाएगा, नो. अगर मदर का कंडक्ट खराब है, अगर ये देखा जाएगा कि फादर ज्यादा प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है उस चिल्ड्रन को, चाइल्ड को अच्छे से, ज्यादा अच्छे से पाल पाएगा, तो फादर को भी दी जा सकती है, राइट? राइट. अब देखिए अगर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इस बात का, अगर देखा जाए कि अगर मदर जो है अर्न करने के लिए एडल्ट्री वगैरह कमिट करती है, ठीक है, सेक्सुअली इंडल्ज होती है विद अदर मेन इन ऑर्डर टू अर्न, ठीक है, पैसों के लिए, अर्निंग के सोर्सेज उनके ये हैं, तो चाइल्ड पे क्या इन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो चाइल्ड पे इनका इफेक्ट पड़ेगा. तो चाइल्ड चाहे 2 साल का क्यों ना हो, छोटा सा क्यों ना हो, 5 साल का क्यों ना हो, तो फादर को सौंप दी जाएगी कस्टडी, ठीक है, फादर को सौंप दी जाएगी कस्टडी, क्योंकि चाइल्ड का वेलफेयर जो है, चाइल्ड का इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी है कोर्ट की. तो सारी चीजें देखने के बाद कस्टडी सौंपेंगी, लेकिन ये जनरल रूल है, जनरल रूल है कि जनरली मदर को ही सौंपी जाती है छोटे बच्चों की कस्टडी. लेकिन कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें लगता है फादर को सौंपना ज्यादा अच्छा रहेगा तो फादर को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रूल है तो मदर को ही दे. दूसरी बात, अब जो है काफी ज्यादा फिर से डिले हो रहा था ये सब चीजें करने में, किसके पास कस्टडी जाएगी नहीं जाएगी, तो कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया कि अगर चाइल्ड के कस्टडी की बात है तो इस चीज को डिस्पोज करेगी कोर्ट विद इन अ टाइम ऑफ 60 डेज. 60 डेज के अंदर चाइल्ड की कस्टडी से रिलेटेड
डिसीजन देना पड़ेगा कोर्ट को, राइट, कि कस्टडी किसके पास जाएगी, कौन मेंटेन करेगा, एजुकेशन का खर्चा कौन उठाएगा चाइल्ड का. तो ये सब चीजों के बारे में 60 डेज के अंदर कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा. आई होप सेक्शन नंबर 26 स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा. इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें नहीं थी जो नहीं समझ आए. चलिए सेक्शन 27, देखिए सेक्शन 27 पे चले तो सेक्शन 27 बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, है ना. देखिए डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की ये बात करता है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का जो है डिवोर्स तो हो गया है, लेकिन उनके नाम पे दोनों की ना कुछ ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, इनकी कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, है ना, ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी दोनों के नाम पे थी ये प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी किसको किसकी होगी, अब हस्बैंड की होगी कि वाइफ की होगी या दोनों को आधी आधी मिल जाएगी. तो इन सब बातों पे भी डिसीजन कोर्ट का होगा, ठीक है. कोर्ट विल डिसाइड कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को जो इनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है. आई होप इसमें भी कुछ टेक्निकल नहीं था, ठीक है. आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 28 पे, अपील्स. अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, ठीक है. तो वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जनरली ऑल द प्रोसीडिंग्स आर अपीलेबल, सारी प्रोसीडिंग्स की अपील हो सकती है, और अपील का टाइम कितना है, 90 डेज है अपील का टाइम. लेकिन 13B के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसके अंदर अपील नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हो जिसमें कंसेंट आप प्रूफ कर दो कि कंसेंट आपकी फ्री नहीं थी फॉर म्यूचुअल डिवोर्स, अदरवाइज उसमें अपील नहीं रहती है. बस एक ही सर्कमस्टांसेस है जिसमें आप कर सकते हो, वो है जब आप प्रूफ कर दो कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, ठीक है, फोर्सफुली आपकी कंसेंट ली गई थी. बट जनरली हिंदू मैरिज एक्ट के जो सारी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये अपीलेबल हैं, 90 डेज इनका टाइम दिया गया है. लेकिन लेकिन जब कोई भी डिग्री आती है स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटर्नशिप करी हो तो उसके नीचे कॉस्ट लिखी रहती है, और कॉस्ट कोर्ट बताता है कि कौन सी पार्टी किसको कॉस्ट देगी, है ना. तो ये जो कॉस्ट अगर कम ज्यादा आपको लगती है तो ये कॉस्ट जो है अपीलेबल नहीं है, तो ये कॉस्ट जो है अपीलेबल नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखो, ठीक है. जब भी कोर्ट डिक्री देती है ना तो उसके नीचे एक लाइन लिखती है कॉस्ट की, कि भाई ये जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को ये कॉस्ट वॉस्ट देगा, है ना. तो ये जो कॉस्ट अगर कम वम लग रही है वाइफ को तो वाइफ इसके खिलाफ जो है अपील नहीं कर सकती, ठीक है. अदरवाइज जनरली अपीलेबल है हिंदू मैरिज एक्ट की ऑल प्रोसीडिंग्स, और 90 डेज का अपील का टाइम रहता है, ठीक है. अब देखिए 90 डेज का अपील का टाइम है, अगर 90 डेज लैप्स हो गए और आप अपील नहीं कर पाए तो आपके पास कोई और ऑप्शन बचता है क्या अपील करने का, कनेक्ट कीजिए कोई एक्ट, बहुत कॉमन है आंसर आपको पता होना चाहिए. अगर आप लेट हो जाए तो आप कौन सी एप्लीकेशन लगाते हैं, लिमिटेशन एक्ट की, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की आप एप्लीकेशन लगा देंगे कंडोनेशन ऑफ डिले, कि जो डिले हुआ है उसके लिए कोर्ट हमें माफ कर दीजिए, ये रीजन है, राइट, ये रीजन है, ये रीजन है. अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, अगर कोर्ट जो आपने एक्सप्लेनेशन जो आपने रीजन दिया है कोर्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इस रीजन की वजह से आपने डिले किया है, तो कोर्ट आपकी अपील की अपील जो है एक्सेप्ट कर लेगी आफ्टर 90 डेज ऑल्सो, राइट. उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 28A पे. 28A बात करता है, अब देखिए सब कुछ हो गया, डिक्री आ गई, ऑर्डर्स आ गई, अब ये आ गई तो इनका फायदा क्या है जब तक इनको इन्फोर्समेंट या एग्जीक्यूशन नहीं होता, है ना, इन्फोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन. किसी भी ऑर्डर या डिक्री का तो तभी फायदा ना जब इनका इन्फोर्समेंट कराया जाए, जब इनका एग्जीक्यूशन कराया जाए. तो जो भी ऑर्डर्स या डिक्रीज आ रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जैसे सीपीसी में कराया जाता है एग्जीक्यूशन और इन्फोर्समेंट, वैसा ही सेम हिंदू मैरिज एक्ट के ऑर्डर्स एंड डिक्रीज का करवाया जाएगा, सिंपल, ओके. नाउ आगे चलते हैं लास्ट सेक्शन,
देखिए हिंदू मैरिज एक्ट तो आया 1955 में, है ना, लेकिन 1955 से पहले भी तो शादियां होती थी। हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955, यानी कि ठीक है इस तारीख के बाद, 1955 में आया तो इसके बाद जो शादियां होंगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होंगी, है ना, लेकिन इससे पहले भी तो शादियां होती होंगी ना, अब क्या वो इनवैलिड हो जाएंगी? पहले तो ऐसा था नहीं ना कि एक ही शादी कर सकते हो, वो तो हिंदू मैरिज एक्ट जब आया तब बोला गया कि अब आप एक ही शादी कर सकते हो, दूसरी शादी करी तो पनिशेबल ऑफेंस है वो, है ना, लेकिन उससे पहले तो पॉलीगैमी चल ही रहा था, लोग दो दो तीन तीन शादियां करते थे। तो हिंदू मैरिज एक्ट जब आ गया 1955 में, तो क्या उन लोगों की शादियां जो है वो वॉइड हो जाएंगी? नहीं, तो सबसे पहले उन्हीं लोगों की शादी प्रोटेक्ट की गई, ठीक है, कहा गया कि बिफोर 1955 जितनी भी मैरिजेस हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड ही है, ठीक है, क्योंकि एक्ट तो 1955 में, इसके बाद की जो शादी है उस पे अप्लाई होगा ये, पहले की जो शादी है उनको हम सेव कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो वैलिड की वैलिड ही रहेंगी, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स कैसे होगा वो हमें पूरा प्रोसीजर बता रखा है, 13A, 13B के अंदर, है ना, तो इसी हिसाब से अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुई है तो डिवोर्स भी इसी प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग होगा इन द कोर्ट। लेकिन लेकिन हिंदूज के कुछ कस्टम्स होते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था कि कुछ कस्टमरी डिवोर्स होता था कि गांव के कम्युनिटी के कुछ बड़े लोग बैठ के आपस में फैसला लेते थे और डिवोर्स हो जाता था, तो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग डिवोर्स के कस्टम्स थे। लेकिन 1955 में तो हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, तो अब क्या हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हमें डिवोर्स कराना पड़ेगा? तो जो कस्टमरी डिवोर्स थे, कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो लोग डिवोर्स कर रहे थे, उसको भी सेव कर दिया गया। अगर आप प्रूफ कर दो कि आपका कस्टम है और पीढ़ियों से, लॉन्ग टाइम से, इमेमोरेबल टाइम से, विदाउट इंटरप्शन, यूनिफॉर्मिटी के साथ आप इन कस्टम्स को फॉलो कर रहे हो, तो कोर्ट आपके उस कस्टमरी डिवोर्स को वैलिड ही कहेगा, ठीक है, वो आपका कस्टमरी डिवोर्स भी है, जो आपके कस्टम्स हैं डिवोर्स से रिलेटेड वो वैलिड रहेंगे, तो इनको भी सेव कर लिया गया, ठीक है। तीसरी बात, देखिए हिंदू मैरिज एक्ट तो आया 1955 में, इससे पहले शादियां भी हुई, शादियां होती होंगी तो उस टाइम भी डिस्प्यूट्स होते होंगे हस्बैंड वाइफ के बीच के, तो वहां पे भी प्रोसीडिंग्स चलती होंगी चाइल्ड की कस्टडी की, है ना, तो जो 1955 से पहले की प्रोसीडिंग्स है उनको सेव कर दिया गया कि 1955 से जो पहले की प्रोसीडिंग्स है वो जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलेंगी। ऐसा नहीं है कि अब हिंदू मैरिज एक्ट आ गया है तो वो प्रोसीडिंग जो पहले की है 1955 से वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चलेंगी, नहीं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग है, पहले जिस हिसाब से वो चल रही थी वो वैसे ही चलेंगी, उनपे कोई भी इफेक्ट हिंदू मैरिज एक्ट नहीं करेगा, तो पेंडिंग प्रोसीडिंग बिफोर 1955 जो थी उन्हें भी प्रोटेक्ट कर लिया गया। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि हिंदू मैरिज एक्ट एक अलग एक्ट है और स्पेशल मैरिज एक्ट एक अलग एक्ट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो स्पेशल मैरिज एक्ट को भी सेव कर दिया गया। बस इतनी सी बात है, क्लियर है? क्लियर है? आई होप 29 क्लियर होगा स्टूडेंट्स, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। ओके, ओके, सबका आ गया, ओके, क्लियर, ठीक है। विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे,
हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो स्टूडेंट्स. ओके, एंड करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा समरी देना चाहूंगी इंपॉर्टेंट चीजों की जो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, राइट? तो सबसे पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट है, तो सबसे पहले आपको हिंदू की डिफाइन पे ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है. मैरिज, मैरिज के आपको काइंड्स देख रहे हैं. फिर सेक्शन 3 के अंदर कुछ डिफाइंस हैं जो आपने देखनी है, कस्टम्स की, यूजेज की, और मेनली फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड आपको पता होना चाहिए. फिर दो तरीके के रिलेशन है, सपिंदा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उनका पूरा आपको चार्ट वाइज पता रहना चाहिए, राइट? उसके बाद स्टूडेंट्स जो आप देखेंगे वो देखेंगे वॉइड मैरिज क्या होता है, वॉइडेबल मैरिज क्या होता है, एंड वैलिड मैरिज. तीन तरीके की मैरिज होती है. अगर void को आप देखें तो अंडर सेक्शन 11 बताया गया है, अंडर सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज बताया गया, एंड वैलिड मैरिज तो अंडर सेक्शन 5 की जो conditions है आपने उन सबको माना है, कोई भी condition violate नहीं करी है तो आपकी शादी valid है, तो section 5 को भी अच्छे से देखना है. उसके बाद आपने जो देखना है, पांचवी चीज जो आपको देखनी है स्टूडेंट्स, वो देखना है आपको सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. अगर आप चाहते हैं आपका स्पाउस जो आपकी विड्रॉ करके गया हुआ है सोसाइटी, वो वापस आपके साथ आके रहने लग जाए, तो आप सेक्शन 9 देखेंगे प्रॉपरली. उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ऑर्डर भी ले लो अपने फेवर में, स्टिल एक साल का लैप्स हो गया है, आपका स्पाउस आपके पास वापिस नहीं आया है RCR के ऑर्डर के बाद भी, राइट? तो वो आपके लिए ग्राउंड बन जाएगा फिर डिवोर्स का. फिर 11 और 12 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. फिर आपने 13A, 13B देखना है, 13A and 13B बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिवोर्स के प्रोविजन से डील करते हैं. फिर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 24 and 25, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंटेनेंस से डील करते हैं, राइट? उसके बाद एक दो सेक्शन आपके और रह गए. सबसे पहली बात तो सेक्शन नंबर 19 जो बात करता है कि आपने पेटिशन जो है फाइल कहाँ करनी है, एंड सेक्शन नंबर 23 आल्सो जो बार लगाता है आप पे कि इफ यू वांट एनी रिलीफ यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स टू द कोर्ट. ओके तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे. आई होप आपने इनकी लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और इनके अकॉर्डिंग जो है आप इनके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं पूरे अपने हिंदू मैरिज एक्ट को, राइट? ओके तो स्टूडेंट्स अब आई थिंक सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट? कोई भी अब कोई डाउट नहीं होगा. अदरवाइज आप पूरा एक्ट देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे यू कैन सी IJS लॉ क्लासेस पे, राइट? ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. Let's meet in the next lecture. You can subscribe our YouTube channel, IJS Law Classes.